रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां पे होए। बबूल के बीज डाल रहे हो और आम खाने का इंतजाम कर रहे हो। सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई। भगवान राम को भगवान मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं, दोनों 12 साल में पढ़ने गए थे स्कूल में। तुम्हारे बच्चे कितने साल में पढ़ रहे हैं? काहे 2.5 साल में गधों की तरह उनके इस पे टांग दे रहे हो किताबें, बोलो। नहीं नहीं, राम के बड़े भगत बने हो ना, रामनवमी मनाते हो, जन्माष्टमी मनाते हो, मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। श्री कृष्ण 12 साल में गए गुरुकुलम में, भगवान राम भी 12 साल में गए। उसके पहले जो अक्षर ज्ञान होता है वो माताओं ने दे दिया था। अक्षर ज्ञान होते हैं, थोड़े कुछ ये सब नॉलेज होते हैं, वो सब बच्चों को दे रहे थे। ऐसे तीर चलाते हैं, ऐसे दौड़ना, ये करना। पर विधिवत जो पढ़ाई शुरू हुई वो 12 साल से शुरू। क्या भारतवर्ष के लोग अपनाएंगे इसको? गुरु जी 12 साल में तो बूढ़ा हो जाएगा। हाँ ठीक ही बात, क्योंकि तुम भी हो गए हो। टेंशन और डिप्रेशन जिनके खुराक हो उनको बूढ़े होने में कितने समय लगते हैं, और तुम जवानी में ही बूढ़े हो। शरीर से जवानी और बुढ़ापा का मतलब भी क्या है? वीर कुंवर सिंह 80-90 साल की उम्र में बिहार में अकेले तलवार लेकर के अंग्रेजों का ऐसी तैसी कर दिए 90 साल में। ये श्री राम और श्री कृष्ण की कथा मनुष्य को प्रज्ञावान बनाती है। तुम प्रज्ञावान होने आए हो यहां पर। ये कोई अनुष्ठान नहीं, एक उपासना नहीं, कोई कर्मकांड नहीं कि आ गए मुंह उठाए और तिल और जौ लेकर के स्वाहा स्वाहा दो बार करके चले गए, हमने यज्ञ कर दिया। श्रीमद् भागवत हो, श्री राम हो, इस कथा के साथ यज्ञ शब्द लगता है, ज्ञान यज्ञ लगता है। ये चावल यज्ञ नहीं है, ये सुरवा का यज्ञ नहीं है, ये अग्नि का यज्ञ नहीं है। वो यज्ञ और होगा और होना चाहिए, उसकी अपनी महिमा है। पर जब स्पेसिफिक तरीके से लिख दिया गया श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, राम कथा ज्ञान यज्ञ, तो फिर इसमें केवल ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। वेदों में 1,00,000 श्लोक हैं जिसमें 80,000 कर्मकांड के, 16,000 उपासना के और 4,000 ज्ञान के हैं। पर याद रखो, उन 4,000 ज्ञान कांड को पढ़े बिना तुम चाहे जो कोई भी हो, तुम्हारा मंगल होने वाला नहीं। बड़े कर्मकांडी होगे तुम, बड़े बड़े यज्ञ किए होगे तुम, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, धुआं से मुंह काले हो जाएंगे तुम्हारे बस। उपासना 16,000 है और जो फाइनल पढ़ाई है वो 4,000 श्लोक हैं ज्ञान कांड के, उससे तो भारतीयों का कोई मतलब ही नहीं है। यहां डोरा बांध दिया, वहां छूट लिया, वहां निकल लिया, वहां चढ़ाई दिया, वहां निकल गए, वहां अबीर डाल दिया है, वहां चावल डाल दिया, केवल कर्मकांड 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 कर्मकांड। इसलिए जिंदगी भी तुम्हारी कांड हो गई, जब देखो तब कांड ही हो रहा है कुछ कुछ तुम्हारी जिंदगी। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। यू हैव टू अनफोल्ड योरसेल्फ। भीतर बहुत सारे ग्रह हैं, गांठें पड़ गई हैं, तुम्हें खोलना होगा, नहीं तो ये दर्द देगा तुम्हारे बुढ़ापे में, तुम्हारी जवानी में, मम्मी पापा होने में भी, शादी करोगे तब भी। मनुष्य बन के आए हो, कोई पशु थोड़े ही हो। बैलों की तरह बैलगाड़ी चलाने, गधों की तरह कपड़े ढोने, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कृति बन के आए हो। मुस्कुराते हुए घूमते हुए जब तुम्हें लोग देखें तो उनके भीतर चेतना जग जाए, तुम्हारी स्माइल देखकर रोने वाले लोग हंसने लगें,